सो हे गाइस, मैं सुजीत टुलिंजे, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ पंच। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पंच क्या होता है, क्या मटेरियल का बना होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, सारा डिटेल हम लोग आज पंच के रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो वर्कशॉप में जो उसका काम करते हैं, पंच का कैसे करते हैं, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंच क्या है? द वर्कशॉप यूज पंच फॉर द लोडिंग सेंटर फॉर द ड्राइंग सर्कल। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे होंगे, इस ड्राइंग में सिंपल से आपको दी होगी, अगर नोटिस करिएगा तो देखिए ये है बॉल पेन हैमर। ठीक है, ये हैमर हो गई आपको, हैमर से देखिए ये छोटी सी है ना पंच होता है, जिसका ये जो तित होता है, ये तित बहुत हार्ड रहती है, ये मेटल शीट में कर रही है, सेंटर पंच से कर रही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के पंच होते हैं, डॉट पंच, सेंटर पंच, डबल डॉट पंच, तीन तरह की जनरली यूज़ की जाती है। ठीक है, ये तो जनरली मैं ओवरऑल आपको मैं पंच के बारे में बता रहा हूँ क्या होती है पंच। जो बनी होती है वो टांगस्टन कार्बाइड और हार्डन स्टील से बनी होती है। ठीक है, इसकी जो टिथ होती है बहुत हार्ड होती है। ठीक है, टू स्टार्ट होल फॉर ड्राइंग, इसमें कोई भी होल करने मतलब कोई भी ड्राइंग, जैसे कोई भी शीट मेटल हुआ, कोई भी शीट मेटल में आप अगर उसमें आप ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको डॉट पंच से आपको उसमें पंच करनी पड़ेगी कोई भी ऑपरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका पंच क्या है वो बताया मैंने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में डॉट पंच। जो पंच हुआ इसके टाइप्स आते हैं डॉट पंच। डॉट पंच का जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली किस लिए करते हैं, कोई भी ड्राइंग में उसका शेप दिखाने के लिए, जैसे कोई भी पॉइंट दिखाने के लिए, जो पॉइंट इसके लिए है। जैसे देखिए, इट इज़ यूज फॉर मार्किंग द इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन एंड ऑल्सो टू मेक द मार्क लाइन मोर विजेबल। जैसे कोई भी अगर आपका वहाँ पे ऑपरेशन है तो आप वहाँ पे क्या किए ना डॉट पंच से आप पंच करते, जिससे आपको क्लियर हो गया जो यहाँ पे ऑपरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच, तो उसमें आपको सुविधा होगी डॉट पंच के द्वारा। इट टिप्स इज हार्डन एंड टेम्पर, जो कि मैंने आपको बताया इसका जो टिप्स होता है हार्डन होता है और टेम्पर होता है, और इसमें एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। ये सिर्फ आपका उसमें पॉइंट दिखाती है, ठीक है ना, इसमें पॉइंट दिखाती है जो कि विजिबल करता है कोई भी वर्कपीस को, ये डॉट पंच हुआ। सेकेंड हम लोग देखेंगे सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच और डॉट पंच जैसे कि मैंने बताया कोई भी वर्कपीस में कोई भी मतलब विजिबल पॉइंट दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन सेंटर पंच का काम दूसरा है। सेंटर पंच का हम लोग काम करते हैं कोई भी जैसे ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करने से पहले हम लोग सेंटर पंच से उसको पॉइंट देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सेंटर को मिलाते हैं जिससे हमें ड्रिलिंग करने में सुविधा होगी। जैसे कि दिखा रहे हैं, इट इज़ सिमिलर टू डॉट पंच एक्सेप्ट डेट द पॉइंट इज ग्राउंड टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। इट इज़ टू मेक डीप मार्क टू गाइड द ड्रिल ड्यूरिंग द कंस्टेनमेंट ऑफ अ ड्रिलिंग ऑपरेशन। मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, ड्रिलिंग ऑपरेशन में पहले हम लोग सेंटर पंच करते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका वर्कपीस है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका वर्कपीस है। ठीक है, ये वर्कपीस है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक ड्रिलिंग करनी है, यहाँ एक ड्रिलिंग करनी है, यहाँ एक ड्रिलिंग करनी है। ठीक है, ये सब जगह आपको ड्रिलिंग करनी है, तो आप क्या किए पहले यहाँ से सेंटर पंच में यहाँ पे आप छोटा से इसे कर दिए, सेंटर पंच से कर दिए, जिससे क्या है ना आपका सेंटर मिल गया कहाँ पे ड्रिलिंग करना है, तो इससे आपको सुविधा होगी उसमें ड्रिलिंग करने के लिए। ये तो हो गया सेंटर पंच। अब हम लोग देखेंगे डबल डॉट पंच। डबल डॉट पंच का भी यूज करते हैं, क्योंकि डबल डॉट पंच में क्या होता है ना, इसमें हम लोग चेन ड्रिलिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। इक्वली स्पीड डॉट पंच एकदम आपका इक्वल देगी आपको, इजी में आपका जो चेन ड्रिलिंग क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है, अब इस वर्कपीस में आपको इस कैविटी को निकालना है, ये सोच लीजिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से इसको निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको निकालने के पहले आपको ये बस डॉट पंच यहाँ पे ड्रिलिंग करनी होगी, यहाँ से आपको ड्रिलिंग अगर कर दीजिएगा तो क्या इसको सेंटर, इसको आप बोलते हैं चेन ड्रिलिंग, इसको चेन ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे चेन ड्रिलिंग कर दिए, तो इसको चेन ड्रिलिंग करने के लिए आपको अगर आप सिंगल सिंगल डॉट पंच से अगर उसको पंच करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसमें डबल डॉट पंच लिया गया है, जिससे आपको इक्वल स्पेस में आप उसमें डॉट पंच कर सकते हैं, लिखेगी भी अच्छा है, डॉट पंच भी अच्छी से होगी। बस यही काम था,
डॉट पंच। आशा करता हूँ जो जानकारी मैं दी आपको आप समझ पाएँ। मैं इसी तरह अपडेट वीडियो लाते रहूँगा। अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बोलिए जो वीडियो कैसी लगी थी। धन्यवाद।